और अब बात असम की, जहां पर बाढ़ से करीब 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कई जिलों में बाढ़ के पानी ने अब भी कहर बरपा रखा है। हालांकि कुछ इलाकों में पानी का लेवल कम होने लगा है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम फंसे हुए लोगों को बचाने और राशन पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। असम में आई भारी बारिश और बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर डाला है। पानी के सैलाब में सब कुछ बह चुका है। लोग जान हथेली पर रखकर सुरक्षित जगह की तलाश में अपना घर बार छोड़ रहे हैं। नगाव जिले के कामपुर में बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है। लोगों के घर टूट गए हैं, खेती बाड़ी भी अब नहीं रही। हर तरफ सिर्फ तबाही का आलम। यहाँ के लोग अब अपने भविष्य को लेकर परेशान है। हालांकि कुछ जिलों में मामूली सुधार भी देखने को मिला है, लेकिन बाढ़ के पानी को निकलने में अभी काफी वक्त लग सकता है। सड़कें और बिजली सप्लाई नेटवर्क टूट चुके हैं। हालांकि सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम फंसे हुए लोगों को बचाने और राशन पहुंचाने के लिए 2400 घंटे काम कर रही है। कई नदियों का पानी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। असम में आई भारी बारिश की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 26 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन की तरफ से 345 राहत शिविर लगाए गए हैं, जिनमें करीब 82,000 लोग रह रहे हैं। राज्य में जिस तरह से बाढ़ का पानी कहर मचा रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को अभी राहत फिलहाल नहीं मिलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, डी मीडिया।